और अब एक खास बात, आरजे रामशास्त्र के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हुरीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर। जिला राजनांदगांव के जिला सदस्य प्रतिनिधि क्षेत्र क्रमांक 3 के निर्मला विजय वर्मा पहुंचे मनरेगा कार्य की निरीक्षण करने। देखिए यह रिपोर्ट। सालहेवारा विश्राम गृह में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि निर्मला विजय वर्मा का आगमन हुआ। युवा नेता खैरागढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष ताहमीद खान कादरी ने इस बैठक का आह्वान स्थापित स्थानीय रेस्ट हाउस में करते हुए सभी सरपंचों को आमंत्रित किया गया था। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि ने उपस्थित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व सरपंचों को बाहर से आए प्रवासियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जानने को कहा व भूपेश सरकार की महत्वपूर्ण व उनके प्रति योजनाओं की जानकारी पहुंचाने हेतु दिशा निर्देश दिए। उपस्थित सरपंचों को बारिश के पूर्व नाली निर्माण व मुक्ति धाम हेतु प्रस्ताव पास कर तुरंत जमा करने हेतु कहा गया। सालहेवारा ग्राम पंचायत के सुलभ शौचालय में महीनों से ताला लगे होने की जानकारी प्राप्त होने पर वे उपस्थित सभी सदस्यों के साथ सुलभ शौचालय पहुंचे व सरपंच संतोष देव से बंद रखने का कारण पूछ सरपंच द्वारा पाइपलाइन की खराबी बताने से उन्होंने 14वें बीच से खर्च कर पाइपलाइन सुधरवा कर 3 से 4 दिनों के भीतर चालू करने को कहा। साथ ही जिला पंचायत सदस्य निर्मला विजय वर्मा ने यह भी कहा, अगर किसी प्रकार की समस्याएं आए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान जरूर करूंगा। राजनांदगांव से पारस मणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रामझाझर।